राजनांदगांव भाजपा पार्षद दल के प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें गठित जांच समिति के बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण पर सौंपे प्रतिवेदन को जल्द सार्वजनिक करने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि 17 करोड़ की लागत से हुए सौंदर्यीकरण के कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जनता के दबाव में महापौर ने जांच समिति गठन की थी। समिति ने जांच रिपोर्ट की बजट बैठक के 2 माह पूर्व ही आयुक्त को सौंपी है, पर अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। राजनांदगांव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बूढ़ा सागर में भ्रष्टाचार को लेकर के विगत लगभग 1 साल से चल रहा है। उसके लिए नगर निगम में सामान्य सभा में हंगामा भी हुआ था, उसके बाद में जांच कमेटी बनी थी। जांच कमेटी में हम लोग भी सदस्य थे। जांच कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है, जांच रिपोर्ट बना करके सौंपे, 2 महीना हो गया है। हम लोग नगर निगम आयुक्त से अभी मिलने गए थे, पार्षद दल का, भाजपा पार्षद दल का एक प्रतिनिधिमंडल, कि जांच समिति ने जो रिपोर्ट दिए हैं कि बूढ़ा सागर में वास्तव में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए आए थे, उसका किस तरह से बंदरबांट हुआ है, किन किन चीज़ों में जो है उनको व्यय किया गया है, ये राजनांदगांव की जनता के बीच में सार्वजनिक होनी चाहिए। चाहे तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जांच कमेटी के मेंबर थे, एक सक्षम अधिकारी, एक सक्षम मंच के माध्यम से उस रिपोर्ट का सार्वजनिक होना जरूरी है, राजनांदगांव की जनता को पता चलना जरूरी है। आयुक्त ने बताया कि जांच प्रक्रियाधीन है, पूरी होते ही और जांच प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष स्वयं समिति के सदस्य हैं, जनता की मांग के अनुरूप जल्द यह सार्वजनिक की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष आए थे, अपनी जांच रिपोर्ट एक लंबित है, उस संबंध में उन्होंने जानकारी चाहिए, वो जानकारी उनको अवगत करा दी जाएगी। प्रक्रियाधीन है, जांच तो देखिए कंप्लीट हो गई, टेक्निकल समिति ने अपनी जांच कंप्लीट कर दी है, प्रक्रियाधीन है जैसे होगा। और नेता प्रतिपक्ष में आपको बता दूं कि खुद ही जांच समिति के सदस्य थे, तो उनकी जानकारी में सभी बातें तो है। सौंदर्यीकरण के नाम पर जमकर बंदरबांट हुआ है, इसे लेकर भाजपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच समिति भी गठित की गई है, अब देखना होगा कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। बस ये एक तो है भैया, बूढ़ा सागर वाला जांच समिति बनाए थे, जांच समिति हम लोग के सदस्य हैं, और 2 महीना पहले हम लोगों ने सब रिपोर्ट सौंप चुके हैं।